हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, एक मेरे ईमेल पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया और मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, आप लोगों को जवाब दूं, क्योंकि जब बात मेरी कम्युनिटी की आती है, ठीक है, तो बोलना ज़रूरी है। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि मैडम, मैं यहाँ पर लिख के लाई हूँ, ट्विन फ्लेम के नाम पर बच्चियाँ किसी एल्डरली मैन से रोमांस कर रही हैं, अपना औरतें अपना घर बर्बाद कर रही हैं, आदमी लोग अपनी बीवियों को छोड़ रहे हैं, पाप हो रहा है मैडम ट्विन फ्लेम के नाम पर। मैम, आप लोगों का भी कर्मा क्रिएट हो रहा है। ओके, एंड आई एम लिटरली एग्री विद द क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट, क्योंकि मैं ये खुद कहती हूँ कि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, राइट? और बट मैं ये भी कहती हूँ ट्विन, और देर इज़ नॉट स्पेसिफिक एज कि तभी आप ट्विन फ्लेम कहलाएंगे, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर बॉर्न ट्विन। ये ऑफकोर्स हमें पता चलता है बहुत लेटर स्टेज में, जब हम लाइफ में सारे पेन्स एक्सपीरियंस कर लेते हैं, हमें ज़िंदगी में समझ में आने लगता है कि वॉट इज़ लाइफ, वॉट इज़ पेन, वॉट इज़ हर्ट्स, वॉट इज़ वर्न्स। ठीक है, हम लोगों के दर्द को जब फील करने लगते हैं, तब हमारा काउंटर पार्ट, हमारी लाइफ में फिज़िकल मीटिंग होती है, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि इस लाइफ में हो, समटाइम्स नेक्स्ट लाइफ में होगी, बट जब भी होती है इट एक लेटर स्टेज में होती है। मैंने भी स्टार्टिंग के वीडियोस में यही कहा था कि ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग ऑलमोस्ट 30 के बाद होती है, या तो वो लोग ऑलरेडी मैरिड होते हैं या उनकी काफ़ी एज होती है। लेकिन मैंने खुद बाद में देखा कि ड्यू टू मैसिव अवेकनिंग एज अब मैटर नहीं कर रही है। जो ऑनेस्टली जो बात है वो मैं बता रही हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ नोटिस करी ड्यूरिंग दिस, जब मैं वीडियो बनाना शुरू कर रही थी उसी टाइम पे, कि हाँ लिटरली मेरे टाइम पे जो अवेकनिंग्स होती थी वो 30, 35, 40 होती थी, लेकिन अब मैसिव अवेकनिंग जो हो रही है, मैसिव शिफ्ट जो हो रहा है, ठीक है, हमारे टाइमलाइन की जो शिफ्ट हो रही है, अब बहुत सारे यंगस्टर्स को भी अवेकनिंग हो रही है। एक फियर मुझे भी आया था कि यार अगर यंगस्टर्स को इतनी जल्दी अवेकनिंग होगी तो, क्योंकि ये जर्नी है बहुत टफ, तो वो पढ़ाई में फोकस कैसे करेंगे, राइट? तो डेफिनेटली मैं अपने हर वीडियोस में ये बोलती आ रही थी कि देखिए, ट्विन फ्लेम को आप लोग मिसगाइड मत करिए। ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल जर्नी भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जैसे बाकियों की स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ये एक ट्विन से है, बट दिस इज़ अ सीक्रेट जर्नी, ये एक पवित्र जर्नी है जिसको बाहर बदनाम कर दिया गया है। ठीक है, मैं हर वीडियो में समझा रही हूँ कि ट्विन सोल जर्नी ट्विन से जर्नी होती है, बट ये एक सेक्रेट जर्नी है जिसका रोमांस से, लव अफेयर, फिजिकल इंटीमेसी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये जर्नी दो सोल के एक होकर अर्थ को की वाइब्रेशन बढ़ाने की जर्नी है, दो सोल के एक होके सोल समाज के लिए काम करने की जर्नी है, सोल पर्पस को पूरा करने की जर्नी है। अब अगर कुछ लोग इस जर्नी को ऐसा ले, बिकॉज दे आर इन रोमांस और वो इसको ट्विन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक जो लोग हैं, जेंट्री हैं, जिनको ये लगता है कि वो मेरी आत्मा के अंदर है, मतलब वो बस मेरा ही है और मुझे उसी से शादी करनी चाहिए, जो लोग लिटरली ऐसा कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। कि अगर आप ट्विन नहीं हो और फिर भी आप अगर किसी एल्डरली से प्यार कर रहे हो, ये पाप है। अगर आप ट्विन नहीं हो और आप किसी अपना बसा बसाया अपने कर्मास छोड़ के
जो कमिटमेंट्स आपके हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ यूनिवर्स ने दिया, वो कमिटमेंट छोड़ के आप कहीं किसी और से प्यार कर रहे हो, वो पाप है। ठीक है, या कोई आदमी अपनी वाइफ को छोड़ के, अपनी कमिटमेंट्स को छोड़ के किसी और के पास चला गया, वो पाप है, राइट? अगर आप ट्विंस नहीं हो तो ये चीज़ एक ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट मेक श्योर आर यू इन ट्विन जर्नी। देखिए, मेरा ये ट्विन फ्लेम्स चैनल है तो यहाँ बातें ट्विन फ्लेम्स की ही होंगी, वहाँ यहाँ पर बातें सेक्रेड लव की ही होगी, यहाँ बातें यूनिवर्स की ही होंगी, यहाँ बातें सोल पर्पस की ही होगी, यहाँ बातें अर्थ की वाइब्रेशन चेंज करने की होगी। ठीक है, लेकिन आप मेरी बात को या किसी भी कोच की बात को कैसे लेते हो, आप बीइंग ट्विन और नॉट ट्विन, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? पॉइंट नंबर वन। देन पॉइंट नंबर टू, कि जैसे कि इनका क्वेश्चन था कि हम लोग के, क्योंकि औरतें अपना घर छोड़ के दूसरे आदमियों के पास जा रही हैं या आदमी बीवियों को छोड़ के दूसरी औरतों के पास आ रहे हैं, हम लोग अपने कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, पाप हो रहा है। मैं इसका रिवर्स भी कह सकती हूँ कि अगर आप लोग किसी ट्विन को, किसी रियल ट्विन को यह कहकर मिसगाइड कर रहे हो कि ऐसा कोई जर्नी नहीं होती है, तो आप भी कर्मा क्रिएट कर रहे हो, समाज भी के वो लोग भी कर्मा क्रिएट कर रहे हैं जो रियल ट्विन को मिसगाइड कर रहे हैं। प्लीज अंडरलाइन, जो रियल ट्विन को उनके सोल पर्पस को पूरा करने से रोक रहे हैं, वो भी कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। जो रियल ट्विन को अपनी सोल जर्नी पूरा करने से रोक रहे हैं, वो भी कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। जो रियल ट्विन्स को रीयूनियन होकर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने से रोक रहे हैं, वो भी कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो जिन लोगों को इस बात की, इस कनेक्शन की अवेयरनेस नहीं है, ना बोलिए, बिकॉज आप हाफ नॉलेज इज डेंजरस, राइट? हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो जो भी बिना नॉलेज के इस पे कमेंट कर रहे हैं, वो भी कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तीसरी बात, जब मैंने इस जर्नी के बारे में फॉरेन चैनल सुनना शुरू किया था, तो मेरा जो फॉरेन चैनल सामने आया था वो उस टाइम से 10 साल पहले पब्लिश हुआ था। ठीक है, मतलब कि फॉरेन चैनल्स में आज तक भी ढेरों सारे ट्विन फ्लेम्स पे चैनल बन रहे हैं, राइट? इवन अभी राइट नाउ मेरा कई वीडियोस भी ट्विन फ्लेम पर ही, एक ट्विन फ्लेम ऐड आ रहा है, जो हमारे वीडियो पे व्यू जो एड ब्रेक्स आ रहे हैं, वो भी ट्विन फ्लेम किसी चैनल का आ रहा है, राइट? तो जब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब फॉरेन कंट्रीज में इतना ट्विन फ्लेम होता है, जहाँ तब लोगों को प्रॉब्लम, जब फॉरेन कंट्रीज के वीडियो बनते हैं तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हम इंडियंस ही वो वीडियोस देखते हैं, तब हम लोग नहीं कहते कि घर बर्बाद हो रहे हैं, औरतें घर छोड़ के जा रही हैं, आदमी अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहे हैं, तब हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, तब हम ये सब सारे सवाल नहीं खड़ा करते। पर जब अगर वही चैनल्स हिंदी चैनल्स बनने लग जाए, तो एकदम से क्वेश्चन उठने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये सब पाप हो रहा है, घर को बर्बाद किया जा रहा है। क्यों? जब वही इंग्लिश चैनल्स आप लोग देखते हैं तब कोई ये क्वेश्चन रेज नहीं करता, जब हिंदी चैनल्स बनने लगे तो क्यों ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि घर को बर्बाद किया जा रहा है, राइट? और क्या कहेंगे हम जब वही जो नॉन ट्विन्स औरतें होती हैं, जो कि अपने हस्बैंड से अब उनको चार्म फील नहीं होता है, और उनकी लाइफ में जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के या ऐसे वीडियोस देख के सीखती हैं हाउ टू अट्रैक्ट अ पर्सन इंस्टेंटली, हाउ टू अट्रैक्ट अ कॉल, अ मैसेज इंस्टेंटली, हाउ टू अट्रैक्ट योर पर्सन बैक, वो एक्चुअली ऐसे जो
चीज़ें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो औरतें कर रही हैं वो पाप होता है, बिकॉज उसमें वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हैं, वो सिर्फ उनके अंदर जो एक किसी को पाने की का ऑब्सेशन है, जो जिस पे कहीं भी स्पिरिचुअलिटी बेस्ड नहीं है वो पाप है। यहाँ हम लोग स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हैं, हम यहाँ ये सिखा रहे हैं, यहाँ हम लोग ये सिखा रहे हैं कि आपकी जर्नी ज़रूर ट्वेन से शुरू हुई है, पर आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ आपको कर्मा सीखना है, यहाँ आपको लेसन सीखने हैं, यहाँ आपको अपना सोल पर्पस सीखना है, आपको यहाँ ये जानना है कि यू आर अ सोल और आप को अपने 3D डायमेंशन से, अपने अवेयरनेस से अपनी शिफ्ट को इंक्रीज करना है, यहाँ हम ये सिखा रहे हैं, राइट। लेकिन उन लोगों का क्या जो कि बिना किसी स्पिरिचुअलिटी के, वो औरतें जो कि ट्विन भी नहीं हैं और ना ही स्पिरिचुअलिटी उनका बेस है, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी का आदमी मैनिफेस्ट कर रही हैं, या वो आदमी जो कि विदाउट एनी बेस ऑफ एनी स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ सेक्स के आधार पे, अपनी नीड्स के आधार पे, अपनी नेसेसिटी के आधार पे किसी औरत का वशीकरण कर रहे हैं, राइट, किसी औरत को का लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो औरत मेरे पास आ जाए, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप वाटर टेक्निक और लाइट एंड बर्न टेक्निक, 555 टेक्निक, सारी टेक्निक से आप किसी का वाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी का हस्बैंड मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सिन है, क्योंकि इसके पीछे आपका स्पिरिचुअलिटी का बैकग्राउंड नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के वीडियो बने हैं, पर वो ये नहीं देख रहा है कि इसको कौन कौन यूज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेक्निक्स दी बताई जाती है, यहाँ पर ये नहीं बताया जाता है कि डिस्क्लेमर नॉट टू यूज़ बाय मैरिड मैन, कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया गया है। एक ओल्ड मैन भी यूज़ कर रहा है, एक टीनेजर भी यूज़ कर रहा है, टीनेजर अपनी पढ़ाई छोड़ के गर्लफ्रेंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, टीनेजर अपनी पढ़ाई छोड़ के वशीकरण कर रहे हैं, एक आदमी किसी औरत का वशीकरण करना चाह रहा है, एक औरत किसी आदमी का वशीकरण करना चाह रहा है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी को मैनिफेस्ट करना, ठीक है, किसी के हस्बैंड को मैनिफेस्ट करना या वाइफ को मैनिफेस्ट करना या वशीकरण करके किसी को अपने वश में कर लेना, ये सिन है। ट्विन फ्लेम्स इज नॉट अ सिन, राइट, क्योंकि इसका आधार किसी का घर तोड़ना नहीं होता है, इसका आधार है खुद को स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व करना होता है, राइट दोस्तों, क्योंकि बीइंग अ ट्विन फ्लेम, ये सवाल ऐसा मुझे से लगा ऐसे मुझ पर उठा है, बिकॉज आई नो दिस वैल्यू, क्योंकि कितना सीक्रेट कनेक्शन है ये। मैं ये कहती हूँ कि क्या ये सिन क्या करे, सपोज कोई इंसान रियल ट्विन है, ठीक है, उसे पता चला कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ, और चलिए ठीक है वो बंदा इस जर्नी को छोड़ दे क्योंकि समाज उंगलियाँ उठा रहा है, तो वो इंसान क्या करे जब उसको अपने अंदर DM की एनर्जी फील हो रही है, वो इंसान क्या करे जिसे यूनिवर्स बार बार इस जर्नी की तरफ पुल कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं मैम आई वॉन्ट टू लीव दिस जर्नी, लेकिन यूनिवर्स अगर खुद ही पुल कर रहा हो तो वो लोग क्या करें, राइट, और क्या मिसगाइड होकर ये ट्विन ये जर्नी छोड़ दें और फिर ये अपना सोल पर्पस पूरा ना करें, क्या ये इनको अर्थ की वाइब्रेशन रेज करना छोड़ दें। आई मीन मेरा मतलब ये है कि अगर समाज कहता है कि ये सब चीज़ गलत है, तो समाज के कारण से हम लोग ये कर्माज को ना सीखें, हम लोग लेसन्स को ना सीखें, हम लोग डायमेंशंस को ना समझें, हम लोग हीलिंग को ना समझें, अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दें, हम अपना सोल पर्पस भूल जाएं, राइट, क्योंकि इस जर्नी में ये सब काम होते हैं, रोमांस नहीं होता है, ठीक है।
अपना अपने सोल की को इवॉल्व ना करें, अपने कर्मा जो बैगेज है वो हम क्लियर करना ना सीखें, क्लीन करना ना सीखें, हम अपने आप को बेस्ट वर्जन ना बनाएं, ठीक है। और ओल्ड सोसाइटी प्रोग्रामिंग को हम लोग फॉलो करते रहे, हम लोग जो बिलीफ सिस्टम है जो चल रहा है 3D में उसको चेंज ना करें, हम लोग DNA हीलिंग ना करें, हम लोग एंसेस्ट्रल हीलिंग ना करें, हम लोग अपने इनर चाइल्ड वुंड्स हील ना करें, हम लोग क्या करें, सम वो चीज़ सही है कि जिस घर में एक औरत एक ऐसी शादी में जूझ रही है जहाँ पर उसका हस्बैंड नार्सिस्ट है, ठीक है, ना वो उसके साथ वो लाइफ एंजॉय कर रही है, ना उसके साथ वो फिजिकल इंटीमेसी एंजॉय कर रही है, और सिर्फ बच्चों के नाम पे उसने अपनी जिंदगी के साथ एडजस्टमेंट कर लिया है, और हर दिन अपने घर के दरवाजे बंद करके वो रो रही है, क्या ये पाप नहीं है, क्या ये सही है। ये क्वेश्चन रेज करना बहुत आसान है कि एक औरत अपना घर छोड़ के दूसरे आदमी के पास जा रही है, एक आदमी अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी औरत के पास आ रहा है, ये गलत हो रहा है, यस ये गलत हो रहा है अगर वो लोग ट्विंस नहीं हैं, बट ट्विंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अपनी सोल जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी करने की, उनको मिसगाइड मत करिए। गलत ये भी हो रहा है कि एक औरत अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, वो हस्बैंड उसकी केयर नहीं कर रहा है, वो हस्बैंड उसको अटेंशन नहीं दे रहा है, वो हस्बैंड उसको प्यार नहीं कर रहा है, और वो हस्बैंड ऑलरेडी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसा हुआ है, और घर में आके अपनी बीवी को मारता है जो अपने बच्चों की केयर नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे हस्बैंड, ऐसे अब्यूसिव हस्बैंड के साथ अगर एक औरत एक छत के नीचे रह रही है तो एक्चुअल पाप ये हो रहा है, इस पर भी नज़र डालिए, ठीक है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में अपने विचार जो मुझे लगा, मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं, इसको कोई जज नहीं करेगा, ये चैनल सिर्फ आपको एडवाइज करने के लिए होते हैं, आपको जो ठीक लगता है, आपको मेरे व्यूज़ ठीक नहीं लगते हैं आप बिल्कुल फॉलो मत करिए, क्योंकि अपने व्यूज़ को प्रकट करने का सबको अधिकार है, मैंने अपने व्यूज़ प्रकट किए हैं, राइट। आपका आपकी सोल आपको जो एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है आप वो एक्सेप्ट करिए, बट क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि आई मस्ट स्पीक ऑन दिस, ठीक है। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।